आप देख सकते हो कि पेट्रोल खत्म हो चुका है, पूरी तरह से सूख चुका है। ऑलराइट, सो हे गाइस, व्हाट अप एवरीबॉडी, इट्स योर बॉय रोहित जी एंड बैक विद अनदर वीडियो। डूड, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज का जो वीडियो है स्पेशली फॉर V3 लवर्स, मैं आज अपने डेविल का माइलेज टेस्ट करने वाला हूँ, जो कि 1 किलोमीटर में कितना दूर जाएगी। तो आप देखते रहिए, वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है, होप कि ये 50+ देगी। तो आइए और देखिए। अभी तो बाइक में फ्यूल ज़्यादा नहीं है, क्योंकि कल ही हम लोगों ने इसका फ्यूल आधा निकाल लिया था। सुबह से लगातार बारिश हो रहा है। दूर देखो, अब कैमरे पर भी बारिश गिर गया। थोड़ी देर रुक के उसके बाद ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। पहले हम इसका जो बचा हुआ पेट्रोल है टैंक में वो खाली कर लेते हैं, उसके बाद 1 लीटर डाल के जाएंगे। शायद पेट्रोल खत्म हो चुका है, बाइक तो स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रहा है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे। टैंक बहुत स्टार्ट हो गया है। शायद ख़त्म हो चुका है, एक बार स्टार्ट करके देख लेते हैं। स्टार्ट हो गया। डेविल का पेट में अभी भी कुछ बचा है शायद, थोड़ा दूर चलते हैं। चलो, क्या यार, पेट्रोल तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अभी एकदम टंकी सूख चुका है और टंकी में थोड़ा सा भी एक बूंद भी तेल नहीं बचा। हमने बहुत मशक्क़त किया, लेकिन फिर भी डेविल ने बाइक स्टार्ट नहीं हुआ। तो अभी हम 1 लीटर डालने वाले हैं और ट्रिप को जीरो कर देंगे। और अभी हम दुधने में हैं, यहाँ से हम ग्वालपारा की तरफ जाएंगे। तो अभी हमने जीरो कर लिया, अब से काउंट होगा कि कितना किलोमीटर ये देगी। जो नॉर्मल लोग चलाते हैं वैसे ही चलाएंगे, 50-60 के स्पीड में, कभी कभी 80 भी चला लेंगे। तो आप देखते रहिए। अभी तक हमारा बाइक चल चुका है 7.1 किलोमीटर, ये तो बस शुरुआत है। मिनिमम 40+ तो हो गए, अभी और हमें जाना पड़ेगा। अभी हम कृष्णे पहुंच चुके हैं। अगर आप यहाँ से राइट जाओगे तो आप राइट में ग्वालपारा की तरफ जा सकते हो। अगर हम जहाँ से जा रहे हैं यहाँ से जाओगे तो आप बिहार, पटना, लद्दाख, वेस्ट बंगाल सब जा सकोगे, लेकिन हम लद्दाख नहीं जाएंगे। बाइक 1 लीटर पेट्रोल में जितना दूर जाएगा उतना दूर ही हम जाएंगे। अभी तक तो बाइक 30.5 किलोमीटर चल चुका है, लेकिन अभी बहुत आगे जाना बाकी है। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि सड़क 4 लेन होने वाला है, मतलब काम चल रहा है। अभी तक नहीं हुआ, तब अच्छा होगा क्योंकि एक्सीडेंट वगैरह कम होगा। हम और आगे नहीं जाएंगे, हम यहाँ से लेफ्ट लेके पंचरत्न ब्रिज के नीचे से ग्वालपारा में एंट्री करेंगे। यहाँ थोड़ी देर रुके थे, आप पीछे देख सकते हो नज़ारा बहुत सुंदर है। वो रहा पंचरत्न ब्रिज। और अभी यहाँ राइट लेके हम अभी ग्वालपारा की तरफ से उस तरफ रवाना हो जाएंगे, क्योंकि अभी इधर जाते रहेंगे तो बोंगाईगांव डिस्ट्रिक्ट पहुंच जाएंगे। तो इसलिए अभी तक तो बाइक ने 40 माइलेज दे दिया है, 40 किलोमीटर चल चुकी है। और अभी हम यहां से जाएंगे उल्टा, मतलब रिटर्न करेंगे। तो अभी कितना देती है, 40 तो आराम से दे दिया, और स्पीड मैंने इतना स्पीड में भी नहीं चलाया, ऑलमोस्ट कभी कभी 85 से ऊपर नहीं गया मतलब। तो अभी देखते रहिए।
ये रहा साहिल ऑल टाइम कैमरामैन के साथ, जो मेरा रेनकोट में डाल रहा है। तो अभी हम चलते हैं। ग्वालपारा में यही एक सड़क है जहाँ पे हमें शिलोंग वाला फीलिंग मिलता है, क्योंकि चारों तरफ हरा भरा, पहाड़ों से भरा। उसके बाद लेफ्ट में हमारे ब्रह्मपुत्र मिलेंगे, राइट में हमारे पहाड़, और सड़क भी एकदम फर्स्ट क्लास। तो आप राइट का एंजॉय लीजिए, म्यूजिक का एंजॉय लीजिए, और हम यहाँ पे कुछ देर रुक जाते हैं, आपको नज़ारा दिखाते हैं। अभी बाइक झटका देना शुरू हो गया, लेकिन हम थोड़ा सा भी पेट्रोल नहीं रखेंगे, टैंकी को एकदम सुखा देंगे। आप देखते रहिए, अब तक तो 45.8 किलोमीटर चल चुका है। अरे डूड, तुम लोग सड़क पे क्या कर रहे हो? घर पे जाओ और मेरा वीडियो देखो, तुम लोग मरोगे और मुझे पैसा भराओगे। 46.9 किलोमीटर चल चुका है अविल, और थोड़ा जाएगा शायद। झटके पे झटके दे रहे, लेकिन हम कोशिश करेंगे। थोड़ा स्टार्ट हो गया, अभी हम और आगे बढ़ेंगे। बोला था ना, एक बूंद भी नहीं रखेंगे, टैंकी सुखा देंगे एकदम। तो देखा ना पानी की बाइक चलाया ना साला, वो इंसान देखो तो कैसे बाइक चलाना ही नहीं जानता। मेन रोड पे सीधा घुसा दिया। आपने पीछे देखना चाहिए ना, पीछे से कोई आ सकता है। ये हाईवे रोड है ना, कोई गांव का सड़क तो नहीं है ना, ऐसा चलाता है क्या? सुबह बारिश में भीगा, आप एक्सीडेंट से बचा। शेयर तो सब्सक्राइब तो करके ही जाना, आपके एक सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। दूर इस करेंगे एक बार, नहीं हो रहा। बाइक को थोड़ा हिला देते हैं। हो गया, साले ने तो तेल छिपा छिपा के रखा है कोने कोने में, लेकिन हम सब निकाल देंगे। अगर कभी ऐसा हो जाए तो आप बाइक को थोड़ा हिला देना, जो बचा हुआ कोने कोने का पेट्रोल है वो निकल के बीच में आ जाएगा। तो अभी तो पेट्रोल ख़त्म हो गया यार, टैंक और पेट्रोल पंप के सामने ख़त्म हो गया, अभी तो ऑन ही नहीं हो रहा। आप देख सकते हो कि पेट्रोल ख़त्म हो चुका है, पूरी तरह से सूख चुका है। रिजल्ट आपके आंखों के सामने है, ये देखिए आप, देख लीजिए, मैं नहीं बोलूँगा, आप खुद ही देख लीजिए। अब यहाँ से फ्यूल अप करके अब चलते हैं घर की तरफ। रिजल्ट आपके सामने है, आप लोगों ने तो देख ही लिया कि 48 किलोमीटर चल चुका है बाइक। R15 V3 BS6 2020 मॉडल। तो अभी वीडियो को एंड करने का वक्त आ गया, उससे पहले हम कुछ खा लेते हैं, और बाइक ने तो खा ही लिया, क्या बोले। ये है मेरे एक दोस्त ऋषभ का पीजी, यहाँ पर हम थोड़ी देर रुक के घर के लिए रवाना हो जाएंगे। तो आप देखिए, अभी हम हैं ऋषभ के पीजी में, आप देखिए इसका पीजी का हालत कुछ ऐसा है। यहाँ वेदांत और ऋषभ यही रहता है पीजी में। बारिश बहुत हो रहा है, बाय, फिर आएंगे। हम यहाँ पर रुके हैं, बारिश मतलब इतना बारिश हुआ कि आप पूछो मत, लगातार बारिश होता रहा। अभी समय शायद 2 बज चुके हैं, हम अभी भी ग्वालपारा में। अभी वो मतलब कपड़ा चेंज कर रहा है, उसके बाद अपने शर्ट को सुखाने के लिए, मतलब अब से वो नंगा जाएगा। और उसके साले का मोबाइल में पानी घुस गया, मोबाइल भी ऑन नहीं हो रहा, मतलब नुकसान ही नुकसान। इसलिए आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करे बिना तो मर ही जाना आज। अरे देख रहे हो, कैसे देख रहे हो, सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसको दबा दो। तो आप लोगों ने देख ही लिया, 48 किलोमीटर गया एक लीटर में। तो अभी हम जाते हैं घर के लिए, रवाना होते हैं, मतलब वीडियो को हम यहीं पे एंड कर देते हैं। तो सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे सेक्सी बेबी। बी 41 হইছে 12 টা বাজিছে, তো গোলপরে তার খাওয়া লাগবো খানকি। তো ভিজি তো আবি তুই সুর আর তেল ভরাবা না লাগবো মুই বাইকর।